हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 220 गज में बना हुआ डुप्लेक्स कॉर्नर विला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है और लोकेशन की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 91 मोहाली में ये प्रॉपर्टी है, जो कि JLPL का सेक्टर है। सेक्टर 91 मेन सेक्टर है मोहाली का। और एक और प्लस पॉइंट मैं इस कोठी का आपको बता देता हूं, ये पार्क फेसिंग विला है। आप देख सकते हैं फुली डेवलप्ड पार्क है इसके सामने, एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिल जाता है आपके विला के सामने। और कुछ और प्लस पॉइंट्स मैं इस विला के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो ये नॉर्थ फेसिंग विला है और ये वास्तु फ्रेंडली है, और कॉर्नर होने की वजह से इस विला में आपको दो एंट्रेंस मिल जाती है, जैसा कि फ्रंट एंट्रेंस आप देख रहे हैं, और एक एंट्रेंस इसकी राइट हैंड साइड में आपको बैक साइड से एंट्रेंस मिल जाती है। यानी कल को अगर आपने सेकंड फ्लोर आपने सर्वेंट रखना है, उसकी एंट्रेंस आपको सेपरेट मिल जाती है, या सेकेंड फ्लोर अगर आप कल को चाहें आप रेंट पर दे सकते हैं तो सेपरेट उनकी एंट्रेंस रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे विला की एंट्रेंस, ये पार्किंग एरिया आ जाता है फ्रंट में विला का, ये आपका फ्रंट यार्ड, और यहाँ से एंट्रेंस होती है हमारी मेन एंट्रेंस। ये हमारा मेन डोर है विला का, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत काम किया है वुडन का, और जो भी हमने वुड यूज़ की है सभी टीक वुड है। और जैसा ही आप एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ड्राॅइंग रूम आ जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है आपको ड्राॅइंग रूम में, जिससे कि नेचुरल लाइट हमेशा आपके रूम में रहेगी। और आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा वुडन का काम किया है। और ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही ये आपकी लॉबी आ जाती है, जिसे आप एज ए डाइनिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं और एक फैमिली लाउंज की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोरिंग जैसा कि आप देख रहे हैं सारा ही इटालियन मार्बल है। और जस्ट डाइनिंग एरिया के साथ ये आपको छोटा सा स्टोर दिया हुआ है, इसको आप एज ए स्टोर यूज़ कर सकते हैं, एज ए पूजा रूम इसको यूज़ कर सकते हैं आप। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वर्क किया है इसमें, चाहे वो फॉल सीलिंग हो, फ्लोरिंग हो, या वुडन का काम हो। और अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन की तरफ। फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, किचन में भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग की है विद LED लाइट्स। आप इसके कैबिनेट्स देख सकते हैं, और किचन से ही आपको एक्सेस मिल जाती है बैकयार्ड के लिए। आप देख सकते हैं बैकयार्ड भी काफ़ी स्पेशियस है, आपको एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है बैकयार्ड में, कल को आप अपनी वॉशिंग मशीन वहाँ पे फिट कर सकते हैं या कोई आउटडोर एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है किचन का, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम किचन से निकलते हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जो कि आपके बेडरूम से भी अटैच है। कल को कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं, अगर आप चाहते हैं उनको सेपरेट वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो ये सेपरेट वॉशरूम है। फुल हाइट इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग पे लगी हैं। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, आप देख सकते हैं इससे आपको फ्रंट लुक मिल जाता है इसकी विंडो से। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं विद LED लाइट्स, ये वॉलपेपर इसमें मिल जाता है आपको, और अलमीरास मिल जाती हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है हमने हर रूम, हर बेडरूम को, इवन फ्लोरिंग हो या फॉल सीलिंग हो। इसमें भी आपको LCD पैनल मिल जाता है, वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग में भी काफ़ी डिज़ाइनर लाइट्स हैं। इसमें एक आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है सेपरेट, आपकी अलमीरास आ जाती हैं, और फुल हाइट अलमीरास हैं। और इसी के साथ आपका अटैच वॉशरूम, इसमें भी जो फ्लोरिंग की मैं बात करूँ एंटी स्किड टाइल्स हैं, और वॉल पर मैं बात करूँ तो फुल हाइट टाइल्स इसमें लगी हुई हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं,
मतलब खूबसूरती के मामले में ये घर अंदर हो या बाहर हो बहुत ही खूबसूरत है, और कोशिश की है हमने इसको पूरा मॉडर्न लुक देने की। ये इसका बैकयार्ड, अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसमें दो बेडरूम आपको मिल जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर और तीन बेडरूम आपको मिल जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और एक बेडरूम आपको मिल जाता है सेकंड फ्लोर पर। तो टोटल 6 बेडरूम है इस विला में। आप ये देख सकते हैं जैसे ही हमने स्टेयर से ऊपर एंटर किया, ये छोटा सा एक लाउंज एरिया मिल जाता है आपको जो स्टेयर के इसके साथ है। शैंडिलियर लगे हुए हैं इसमें और यहीं से एक्सेस हो जाती है आपकी फ्रंट बालकनी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। आपको फ्रंट व्यू इससे मिल जाता है क्योंकि कॉर्नर का घर है तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी खूबसूरत काम किया है। इसमें आपको बेड की बैक भी मिल जाती है और यहाँ से भी आपकी बालकनी की एंट्रेंस मिल जाती है इस बेडरूम से आपको। यह आपकी अलमीरा, सेम फुल हाइट अलमीरा से, और यह आपका अटैच वॉशरूम। इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे वाले वॉशरूम से कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है। ये जस्ट एक हमने लुक को एनहांस करने के लिए थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोर की तरफ। हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी एक स्टोर दिया है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का स्टोर है। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये है हमारा फोर्थ बेडरूम, देख सकते हैं फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स, आपकी अलमीरास, विंडो से आपको ये बैकयार्ड की एक्सेस मिल जाती है, बैक बालकनी है। कॉर्नर का हाउस होने की वजह से काफ़ी अच्छा लुक आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छा व्यू आपको इसमें मिल जाता है, और अटैच वॉशरूम इस बेडरूम में भी। और कंसेप्ट इसका सेम ही है, फुल हाइट टाइल्स और जो फ्लोरिंग में है वो एंटी स्किड टाइल्स हैं। कोशिश हमने यही की है कि हर वॉशरूम हो या बेडरूम हो कुछ डिज़ाइन चेंज करने की, कुछ कलर चेंज करने का, ताकि एक पूरे घर में सब बेडरूम से मैं आपको एक ही लुक ना मिले, कुछ डिफरेंट रहे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फिफ्थ बेडरूम की तरफ। यह है हमारा फिफ्थ बेडरूम, इसमें थोड़ा सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाता है। ये आपकी बालकनी की एक्सेस आ जाती है, साइड बालकनी की। एलसीडी पैनल इसमें मिल जाता है आपको। ये आपकी अलमीरास, फुल हाइट अलमीरास है। अलमीरास हमने जो भी दी हैं वो फुल हाइट अलमीरास हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सकें अलमीरास में। और ये आपका अटैच वॉशरूम, इसमें भी आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस विला में आपको दो एंट्रेंस मिल जाती है, ये इसकी बैक एंट्रेंस है क्योंकि ये कॉर्नर का विला है, तो यहाँ से एक आपको एक्सेस साइड से भी मिल जाती है। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर की जो एंट्री है वो बिल्कुल सेपरेट है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, कल को आप घर पर कोई अपना सर्वेंट रखते हैं या कल को आपने अपना रेंट पर देना है तो बिल्कुल आपकी जो इसकी एंट्रेंस है सेकेंड फ्लोर की बिल्कुल टोटली अलग हो जाती है आपके विला से। और ये है हमारा सेकंड फ्लोर, जिसमें कि एक आपको बेडरूम मिल जाता है और आपका टेरेस एरिया आ जाता है इसमें। ये है हमारा लास्ट और सिक्स बेडरूम जो कि हम टॉप फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर।
और इसमें भी आपको वॉशरूम दिया गया है अटैच। और इस रूम से बाहर आते ही आपको मिल जाता है ओपन टेरेस। ये सेकंड फ्लोर है जिसमें मैं आपको बताया था कि एक बेडरूम और ओपन टेरेस है। और आसपास का एरिया आप देख सकते हैं, फुल्ली डेवलप एरिया है ये। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको 220 गज में बना हुआ डुप्लेक्स कॉर्नर विला? और मैं एक बार बता दूं, इसकी लोकेशन सेक्टर 91 मोहाली है और इसको डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट हरलीन विर्क ने। और इस विला के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इसके प्राइस के रिगार्डिंग, इसकी लोकेशन के रिगार्डिंग, या आप इसको विजिट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।